से आग डालने जा रही हूँ नींबू का अचार। पहले हम नींबू को अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इनको हम साफ कपड़े से पोंछ कर अच्छे से सुखा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन नींबुओं को सुखा लेंगे और एक कॉटन के कपड़े से हम इसको अच्छे से पोंछ देंगे। बिल्कुल इसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आप धूप है तो आप इसको एक घंटे के लिए धूप में रख दीजिए ताकि हमारे नींबू पे बिल्कुल भी पानी ना रहे। फ्रेंड्स, अब हमारे नींबू सूख चुके हैं। अब हम इनको एक ऐसे जाली में डालेंगे सारे नींबू को। अब यहाँ पर मैंने एक भिगोने में पानी गर्म होने रखा है, इसके ऊपर हम अभी अपनी छन्नी रख देंगे और इसको हम ढक देंगे और इसको हम 10-15 मिनट तक पकाएंगे जब तक हमारे नींबू गल नहीं जाते। ऐसे हम अपने नींबू को ढक देंगे और इसको हम 10-15 मिनट तक इसको हम स्टीम में अपने नींबू को पकाएंगे और जब हमारे नींबू सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बीच बीच में हम देखते रहेंगे इसको भी और ढकेंगे। अभी नींबू हमारे हुए नहीं है, अभी हम इसको बीच बीच में अलट पलट करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे नींबू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, इनमें से रसा भी टपक रहा है। फ्रेंड्स देखिए, हमारे नींबू कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको कट करूँगी। फ्रेंड्स, ऐसे हमें अपने सारे नींबू कट करने हैं। फ्रेंड्स, ये नींबू सब मैंने कट कर लिए हैं और ये इसमें नींबू कट करने से इसका ये नींबू का रस निकला है, मैंने इसको छान लिया है। इसमें जो बीज थे आप देख सकते हैं वो निकल गए हैं, काफ़ी हद तक बीज निकल गए हैं ताकि हमारा अचार कड़वा ना बने, इसलिए मैंने ये छान लिया है। इसको हम अलग कर देंगे। इस रस को पहले हम कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब गैस हम ऑन करेंगे, इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। ये हमारे 1 किलो नींबू हैं तो मैं 1/2 किलो लगभग चीनी डालूंगी। अगर आप ज़्यादा मीठा अचार खाते हैं नींबू का तो आप ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ, इसको हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये मसाले लिए हैं, ये वाइट नमक है, ये देगी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा गर्म मसाला, काला नमक और 1 चम्मच अजवाइन। तो अब हम ये सारे मसाले अपनी चाशनी में डाल देंगे। देखिए, चाशनी में उबाल आ गया है, ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, मिलाएंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हम इसको पकाएंगे 5-10 मिनट और फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी मैसे ही ढककर रख देंगे। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं कि हमारा अचार कैसा हुआ है। तो अभी तो ये गर्म है इसलिए इतना ये पतली इसकी चाशनी है, लेकिन जब ये सुबह ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए भी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगले दिन सुबह हमारा जो अचार है वो इस तरीके से दिख रहा है, इसकी चाशनी गाढ़ी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है नींबू का अचार। अब हम इसको 10-15 दिन की धूप लगाएंगे और ये हमारा अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये अचार बनने में 10-15 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी जो हमारा नींबू का छिलका है वो खाने में कड़वा लगेगा, लेकिन 10-15 दिन बाद ये हमारा इसके नींबू के अचार की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के नींबू के अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और आप इस अचार को सालों साल रख सकते हैं, ये अचार ख़राब नहीं होगा और 10-15 दिन बाद आपका ये खट्टा मीठा अचार बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।